छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में 46वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, महापौर प्रमोद दुबे समेत विभागीय अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आपको बता दें कि 2005 के बाद छत्तीसगढ़ एक बार फिर राष्ट्रीय विज्ञान मेले की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साइंस के अलग अलग तरह के मॉडल छात्र लेकर आए हैं। साइंस प्रदर्शनी का मुख्य विषय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण रखा गया है, जिसके तहत कृषि एवं जैविक खेती, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संसाधन प्रबंधन एवं आधारित मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें राष्ट्रीय विज्ञान मेले में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति पर आधारित लर्निंग कैंप भी लगाए गए हैं। इसमें लोकल आर्ट जैसे गुदना, माटी कला, भित्तचित्र समेत अन्य प्रदर्शनी को शामिल किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आती है और उनको आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। साथ ही कहा कि भारत देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, शून्य की खोज भी भारत में ही हुई है। वहीं APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर मिसाइल मैन को याद करते हुए बच्चों को उनके बताए रास्ते पर चलने कहा, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। प्रदर्शनी यहाँ पर जो लगाई गई है वो 27 प्रदेश के जो छात्र, जो बालक वैज्ञानिक, उनके द्वारा इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने चमत्कारी प्रयोग किया है। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा देखा है, लेकिन तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन नन्हे बच्चों ने मतलब आविष्कार के रूप में अभी हमने देखा यहाँ पर कि विदाउट फ्यूल के भी कैसी भी मशीन, और आपका ये जो दिव्यांग के लिए चेयर्स इस तरह की बनाई है कि वो कैसे मूवमेंट कर सकते हैं। 46वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि इस प्रदर्शनी में देश भर के वैज्ञानिक बच्चे आए हुए हैं। इस प्रदर्शनी में देश के अलावा प्रदेश के बच्चों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी को भी सुसज्जित किया गया है। वहीं नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना के तहत गौठान की प्रदर्शनी को भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी जान सके और उसे समझ सके। जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को करने का मौका मिला, उसके लिए सबको बधाई। और हम लोग कोशिश किए हैं कि हमारे युवा वैज्ञानिक जो प्रदेश के भी और प्रदेश के बाहर के भी अपने अपने मॉडल को लेकर जो आज अपनी समस्याओं को, जीवन की समस्याओं को किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से उसको हल कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन मॉडल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर आयोजित किया गया है। और हमारे युवा वैज्ञानिक अपने देश के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए, पर्यावरण के को संरक्षण करने के लिए किस प्रकार उनका सोच है, ये उनका पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा लगाए गए सभी मॉडल बेहद ही खूबसूरत हैं। दिगर राज्यों से आए बच्चों ने अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त किए। यूपी आगरा से आए हुए यशपाल ने मॉडल में कचरे से प्लास्टिक को आसानी से निकाले जाने की तकनीक को दर्शाया है। चेन्नई से आए हुए विद्यार्थी आदित्य सिंह ने ऐसा यंत्र बनाया जिसमें वाहन चलाते समय यदि हेडफोन लगाया जाए फिर भी वाहन के हॉर्न सुनाई देगी, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकेगा। साथ ही दिव्यांगों को भी इस हेडफोन का इस्तेमाल करने से आवाज़ पूरी तरह से सुनाई देगी। राजस्थान से आए विद्यार्थी गौरव गर्ग ने अपने मॉडल के जरिए गंभीर बीमारी COPD जो फेफड़े से संबंधित है, इससे बचाव के आसान तरीका बताया। इस बीमारी से लोगों की मौत बहुत जल्द हो जाती है। इस बीमारी की पहचान के लिए गौरव ने इस यंत्र का निर्माण किया है। कौन सी थीम पे प्रोजेक्ट है? ये है हेल्थ हाइजीन एंड क्लिनलीनेस। फोकल थीम तो बहुत सी ऑब्वियस है, साइंस साइंटिफिक सॉल्यूशन फॉर चैलेंजेस इन लाइफ। मैं तमिलनाडु शहर से केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यार्थी हूँ, 12वीं कक्षा में हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में मैं एक इनोवेटर हूँ पैशन से, तो फिर जो भी मैं सॉल्यूशंस बनाता हूँ वो सॉल्यूशन सारे प्रॉब्लम देखने के बाद आते हैं। अगर आप डेडिकेटली इस सॉल्यूशन की बात करें तो फिर ये सॉल्यूशन एक तमिलनाडु की लड़की के साथ दुर्घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, कि उसकी मौत हो गई थी क्योंकि वो बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा था अपने हेडफोन से। मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना था जिसकी वजह से आप अपने गाने को भी इन्जॉय कर सकते हैं और बाकी बाहर की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। COPD एक बहुत ही
बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो हम अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, जल्दी पता चल जाए हमें कि हमें COPD है, तो हम उससे बच सकते हैं। तो और हमारे राजस्थान में स्टोन के क्रशर है, पत्थर तोड़ने वाले क्रशर है, वहाँ पर सिलिका उड़ता है जिससे कि वो अपने लंग्स को पकड़ लेता है, लंग्स को, फेफड़ों को, जिससे कि है ना हम लोग सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, उससे इंसान को COPD हो जाता है। COPD के लिए हमने हमारा एक मॉडल रिप्रेजेंट किया है, हमारे मॉडल में हमने एक वेंटिलीमीटर यूज़ किया है, डिफरेंशियल प्रेशर यूज़ किया है, प्रेशर सेंसर यूज़ किया है और आर्डिनो बोर्ड्स यूज़ किए हैं, LED यूज़ की है। अब हम लोगों का मॉडल ये है कि एक वेंटिलीमीटर पाइप है, उसके अंदर दो डिफरेंस के ना डायमीटर्स की पाइप है, उसके अंदर हम लोग ऐसे अपने जितने बोर्ड से अपन एयर ब्लो कर सकते हैं बाहर की तरफ उतनी स्पीड से ब्लो करेंगे। अब डिफरेंस आएगा दो डायमीटर्स के बीच में, वो डिफरेंस को डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर मेजर कर लेगा, मेजर करने के बाद में उसको हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके वो हमने आर्डिनो बोर्ड से कन्वर्ट कर रखे हैं, आर्डिनो से कनेक्ट कर रखे हैं, जिससे कि वो डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स निकाल देंगे उसके लिए। उसके बाद में हम लोग जैसे कोई भी जिसको भी चेक करना है वो एक उसमें पाइप में एयर ब्लो करेगा, उसके बाद में उसके ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे, इधर ग्राफ से हम लोग ये बता पाएंगे कि COPD है नहीं है। मेरी मॉडल की थीम है जैसे प्लास्टिक की, प्लास्टिक को कचरे में से छांटने वाली मशीन है ये, हमारे आसपास का जो कचरा होता है उसमें सभी तरह का मिक्स कचरा होता है, उसमें से प्लास्टिक हम छांट नहीं पाते आसानी से, तो हमने ये समस्या को देखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया है कि इसमें से प्लास्टिक ही प्लास्टिक को छांटा जाए। मतलब ये आइडिया पूरा सिस्टम एक मॉडल के उसमें तैयार किया है, उसमें एक रोलर भी लगाया है और एक टब भी लगाया है जिसमें हमारी प्लास्टिक एकत्रित होगी, और रोलर इसलिए लगाया है क्योंकि उस पर रोलर पर प्लास्टिक चिपक आएगी, यानी पूरा सिस्टम इसीलिए किया है कि उसमें से प्लास्टिक ही प्लास्टिक छटाए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में देश भर से आए बच्चों ने आधुनिक तकनीक के मॉडल बनाए हैं। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। सभी स्कूलों से बच्चे इस प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें नई जानकारी हासिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।